नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल, व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही तरह से काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वह लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्षयान में तकनीकी खराबी आ गई है, इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने कहा कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौती के दौर में आशा की एक नई किरण बनकर उभरी है। एक बिजनेस न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत विकास और चुनौतियों से उबरने की क्षमता देश के भविष्य के लिए आशाजनक है। प्रधानमंत्री ने सभी से विकास की गति बनाए रखने और 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने न केवल चुनौतियों का सामना किया है बल्कि आर्थिक आशावाद का आधार भी तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 तक भारत का विनिर्माण क्षेत्र 10 खरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2027 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 18 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही शाह विकास और गरीब कल्याण को लेकर प्रत्येक विधानसभा में पहुंचने वाले प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां अटल सभागार में वृहद कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अमित शाह के प्रदेश आगमन को लेकर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लद्दाख में वाहन खाई में गिरने से भारतीय सेना के 9 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, इनमें से एक जेसीयू भी शामिल। यह हादसा उस समय हुआ जब लेह से नियोमा की ओर एक काफिले के हिस्से के रूप में जा रहा सैनिकों का एक एएलएस वाहन क्यारी से 7 किलोमीटर पहले घाटी में फिसल गया। इस दुर्घटना में घायल एक सैनिक का इलाज जारी। राष्ट्रपति ने लेह में एक सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र इन सैनिकों के निस्वार्थ बलिदान के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का एक बड़ा ऋणी है। लेह हादसे पर उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह के पास दुर्घटना से दुख हुआ जिसमें हमने भारतीय सेना के कर्मियों को खो दिया है। राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा सदैव याद रखी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में एक सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि लद्दाख में लेह के पास एक दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मौत से दुखी हूं। हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
और मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद म्यांमार में आश्रय लेने वाले भारतीय नागरिकों को मणिपुर पुलिस, भारतीय सेना और असम राइफल सहित संयुक्त सुरक्षा बल सुरक्षित वापस ले आए हैं। सीमावर्ती शहर मोरेह में रहने वाले मैतेई परिवार के घरों को उपद्रवियों द्वारा जलाए जाने के बाद वे शहर छोड़कर भाग गए और म्यांमार की सीमा में प्रवेश कर गए। 3 महीने से अधिक समय तक म्यांमार में आश्रय लेने वाले परिवारों को सुरक्षा बल कल मोरेह में सुरक्षित वापस लाए। मोरेह में स्थित असम राइफल्स के शिविर में अब वे परिवार आश्रय लिए हुए हैं। असम राइफल्स उन्हें आवश्यक राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सेना और असम राइफल्स को भारतीय नागरिकों को म्यांमार से वापस लाने के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया है। असम राइफल्स ने करीमगंज जिले के पत्थरकांडी क्षेत्र में एक वाहन और 23 लाख रुपए मूल्य की 57 ग्राम हेरोइन के साथ 2 लोगों को पकड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 21 अगस्त को उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसद संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर आज ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह शहर फ्रेमेंटल पहुंचेगी। ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना की 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आपदा के बीच लोगों को एक बार फिर मौसम के कड़े तेवर का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने बताया कि अगले 2 दिन यानी 20 व 21 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि 22 एवं 23 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति व किन्नौर को छोड़कर शेष सभी 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका। 25 अगस्त तक राज्य भर में मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों और सैलानियों से अपील की गई है कि वे नदी नालों के किनारों पर ना जाएं, साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा करने से बचें। हिमाचल प्रदेश में अब तक 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति का नुकसान आंका गया है। मानसून से हुए भारी नुकसान को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल को राज्य आपदा क्षेत्र घोषित किया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा से अवरुद्ध सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि अभी भी सैकड़ों सड़कों के बंद रहने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश का दौरा कर राज्य में हुई जान माल के नुकसान का आकलन करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर और जेपी नड्डा प्राकृतिक त्रासदी में दिवंगत लोगों के परिवारजनों से मुलाकात भी करेंगे। प्रदेश में अब तक भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से 335 लोगों की जान गई है जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच शिमला के समरहिल क्षेत्र में जमींदोज हुए शिव बावड़ी मंदिर में लापता लोगों को निकालने का कार्य 6वें दिन भी जारी रहा। इस घटना में मृतकों की संख्या 16 हो गई है। उत्तराखंड में मॉनसून काफी भारी गुजर रहा है। अतिवृष्टि व भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने के साथ ही जानमाल की व्यापक क्षति हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी जिससे हल्की बारिश हो सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की चहलकदमी के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। नितिन गडकरी ने इस विषय पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि आवारा पशुओं के व्यवस्थापन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन पर सख्ती से कार्य किया जाए। NCCF और नेफेड आज से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचेंगे। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने थोक और खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतों में लगातार जारी गिरावट को देखते हुए निर्देश दिया था। खुदरा मूल्य में आखिरी बार संशोधन 15 अगस्त को 50 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया था जो अब आज से घटकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है।
दिल्ली एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई 2023 से शुरू हुई थी। 13 अगस्त तक दोनों एजेंसियों ने कुल 15 लाख किलोग्राम टमाटर की खरीद की है, जिसे देश के प्रमुख खपत केंद्रों में खुदरा उपभोक्ताओं को लगातार बेचा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को अकाउंटिंग, लेखा परीक्षा और कार्यालय संबंधी वित्तीय कार्यों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए जल्द ही कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार ने देश की बंदरगाह क्षमता को मौजूदा 2600 MTPA से बढ़ाकर 2047 तक 10,000 MTPA से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। सोनोवाल ने कहा कि सरकार जल्द ही देश के सभी बंदरगाहों की सुरक्षा को उन्नत करने के लिए बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना करेगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुम्बा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000. 10. Okay. दोनों? No no. 10 का एक. इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि राज्य में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 2 साल में 3 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 में राज्य में 2300 पंजीकृत स्टार्टअप थे। सरकार ने मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में आपूर्ति में सुधार के लिए प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा के आवास पर पहुंचकर उन्हें यह अवार्ड सौंपा। जुलाई 2023 में खुदरा कारोबारियों की बिक्री में सालाना आधार पर 9% वृद्धि दर्ज की गई है। इसका खुलासा खुदरा कारोबार करने वाले फर्मों के मंच रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक नई सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। आयकर विभाग ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड चालू कर दिया गया है। ये बोर्ड ईमेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति पद के लिए 20 अगस्त यानी आज मतदान होना है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सैंड्रा टोरेस और उनके प्रतिद्वंदी बर्नार्डो अरेवलो के बीच होगा मुकाबला। अमेरिका ने डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति दी है। F-16 विश्व के सर्वाधिक विश्वसनीय लड़ाकू विमानों में प्रमुख है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजीनिकोव ने अमेरिका के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यूक्रेन की जीत निश्चित है। इससे पहले अमेरिका ने कहते हुए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया था कि इससे रूस के साथ तनाव और बढ़ जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में चरमपंथियों द्वारा कई चर्चों और दर्जनों घरों को जलाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इन आपराधिक कृत्यों का सामना करने के लिए पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों की सराहना की। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच ईसाई नेताओं ने आरोप लगाया है कि पूरे मामले में पुलिस मूकदर्शक बनी रही। इसराइल के तेल अवीव में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक बदलाव के खिलाफ हजारों इसराइली प्रदर्शनकारी
शनिवार को सड़कों पर उतर आई योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 33वें सप्ताह में प्रवेश कर गया है। अमेरिका में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिका दक्षिण कोरिया तथा जापान सैन्य आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हुए हैं। इस वर्ष के शुरू के छह महीनों में चीन का वायदा कारोबार 35.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इस दौरान कारोबार में 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। कनाडा के पश्चिम कैलोना के ऊपर लगी जंगल की आग 380 जगहों पर बनी लगी हुई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने अहमद डोमा सहित कई कैदियों को माफ कर दिया है। लोकतंत्र समर्थक विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति डोमा को 2019 में दंगा करने और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। चीन में कोरोना के वेरिएंट EG.5 में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल अप्रैल में इस वेरिएंट का प्रतिशत 0.6 था, जो अगस्त में बढ़कर 71.6% हो गया है। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शाह महमूद कुरैशी को कल हिरासत में लिया गया। पार्टी प्रवक्ता जुल्फी बुखारी ने कहा कि दो बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे कुरैशी की हिरासत का विशेष कारण तुरंत स्पष्ट नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को भीषण आग लगने के कारण उत्तरी कनाडाई शहर येलोनाइफ में अपने लगभग 20,000 निवासियों में से अधिकांश को बाहर सुरक्षित निकाला। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगागवा के समर्थन में कल शुरुगवी में हजारों समर्थक एकत्र हुए हैं। राष्ट्रपति एमरसन मनंगागवा ने आगामी चुनावों से पहले अपनी अंतिम रैली की। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने फिडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले गेम में फैबियानो कारुआनो को ड्रॉ पर रोका। भारत में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में शुभांकर हुआ लॉन्च। अक्टूबर नवंबर में भारत में आयोजित होगा वनडे विश्व कप। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20, भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 भी डबलिन के द विलेज में खेला जाएगा। भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 मैच में जीत दर्ज कर तीनों मैचों की सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। और फीफा महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज इंग्लैंड का सामना स्पेन के साथ। इस बार दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिलेगा। दरअसल ये दोनों ही टीम अब तक विश्व खिताब नहीं जीत पाई है। अजरबैजान के बाकू में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत की मेहुली घोष ने कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ अगले वर्ष पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए मेहुली ने कोटा भी हासिल कर लिया है। 22 साल की मेहुली शनिवार को चैंपियनशिप में भारत को दूसरा गोल्ड दिलाने वाली भारतीय महिला टीम का हिस्सा भी रही। ब्राजील के फॉरवर्ड नेमार का सऊदी प्रो लीग टीम अल हिलाल के खिलाड़ी के रूप में आधिकारिक अनावरण कर पर हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे और अंतिम चरण में भारत को 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक हासिल हुए। महिला और पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महिला और पुरुष रिकर्व टीम को कांस्य पदक हासिल हुए। महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में ज्योति सुरेखा ने कांस्य पदक जीता। ज्योति ने विश्व की दूसरे नंबर की तीरंदाज को मात दी। स्वीडन ने फीफा महिला विश्व कप में थर्ड प्लेस मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। इस शानदार जीत के बाद स्वीडिश टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में चौथी बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में सफलता पाई। अमेरिकी कोको गॉफ ने रोमांचक मुकाबले में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ईगा स्वियातेक को हराकर सिनसिनाटी ओपन में के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोको गॉफ इससे पहले स्वियातेक के खिलाफ पिछले 7 मैचों में कभी भी एक सेट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मुंबई हाफ मैराथन 2023 को हरी झंडी दिखाई। ये एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मैराथन का 7वां संस्करण है। इस बार 20,000 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हम अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से ले रहे हैं, ये स्वास्थ्य राष्ट्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
और बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और कृति सनन की अपकमिंग फिल्म दो पत्ती की शूटिंग शुरू हुई। कृति सनन कनिका ढिल्लों के साथ मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं। फिल्म का निर्देशन शशांक चतुर्वेदी कर रहे हैं। ये फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है। फिल्म निर्माता रितेश सिद्धवानी की बर्थडे पार्टी में आमिर खान, मनीष मल्होत्रा, करिश्मा कपूर समेत कई सेलेब्स शामिल हुए। गदर 2 ने 8 दिनों में 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म का टोटल कलेक्शन 305 करोड़ 13 लाख रुपए हो गया है। 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली गदर 2 सेकेंड फास्टेस्ट हिंदी फिल्म है। इसके आगे शाहरुख खान की फिल्म पठान है। गदर 2 की सफलता के बाद अमीषा ने कहा कि वो अब फिल्म कहो ना प्यार है का सीक्वल करना चाहती हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने सुनील शेट्टी के साथ बातचीत का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में शाहिद की बेटियां भी नजर आ रही हैं। और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने 2005 में आया अमरिंदर गिल का पंजाबी गाना दिलदारियां गाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने 3 साल पहले बनी फिल्म न्याय की रिलीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। के सिंह ने बेटी की प्राइवेसी हर्ट करने का मामला दाखिल किया। और जल्द ही सिनेमाघरों में कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 रिलीज होने वाली है। फिल्म के स्टारकास्ट आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।